हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। ये स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1.5, द न्यू ड्रेस। ये हमने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द पार्ट 1 ऑफ द लेसन 1.5, द न्यू ड्रेस। दिस इज द पार्ट 2 एंड वी आर गोइंग टू लर्न द फुल लेसन। दिस सेकेंड पार्ट विथ फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस। सो चलिए अभी पढ़ने के लिए शुरुआत कर देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड चलिए शुरुआत कर देते हैं। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं पढ़ेंगे, पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो हियर आर सम वर्ड्स। गेस द मीनिंग। शोड, विनर, रफल्ड। ओके, सो ये भी मीनिंग्स पढ़ेंगे हम। शी मीन्ड, और शी ट्राइड टू मेक हर सेल्फ थिंक दैट शी मीन्ड दैट इट वॉज द पिक्चर एंड नॉट हर ड्रेस। सो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है मैबल, मैबल तो सोच रही है, ठीक है, पूरे निगेटिव थॉट्स भरे हैं उसके दिमाग में। एंड यहाँ पर अभी वो बोल रही है कि शी मीन्ड, उसको उस बात का एहसास हो रहा था कि कुछ तो बात है, ठीक है, दैट इज समथिंग रॉन्ग एंड दैट इट वॉज द पिक्चर एंड नॉट अ ड्रेस। और वो जब उसने फैशन का, उसके मदर ने जो उसको फैशन का एक बुक दिया था, तो उस पर जो मॉडल्स के पिक्चर थे विद द ड्रेसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, वो देखकर वो सोच रही नहीं, इट वॉज द पिक्चर एंड नॉट अ ड्रेस, दैट वॉज ओल्ड फैशन, वो ओल्ड फैशन है। एंड वन वर्ड ऑफ प्रेस, वन वर्ड ऑफ अफेक्शन फ्रॉम चार्ल्स वुड हैव मेड टू हर एट द मोमेंट। और उसको ऐसा लगा कि वो जो पिक्चर देख रही थी, दैट इज द पिक्चर, वो तो एक चित्र है, वो तो रियल का ड्रेस तो नहीं है। एंड वो खुद से ही बात करने लगी। और उसके बाद जो चार्ल्स था, चार्ल्स से जो उसको कुछ अच्छे शब्द सुनने के लिए मिले, यानी कि उन शब्दों से उसको बहुत अच्छा लगा। और शी वॉज हैप्पी फॉर सम टाइम। इफ ही हैड ओनली सेड, मैबल यू आर लुकिंग चार्मिंग टू नाइट, इट वुड हैव चेंज्ड हर लाइफ। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अगर वो बोलता, चार्ल्स अगर बोलता कि मैबल तुम आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, तो इस बात से मैबल की पूरी जिंदगी ही बदल जाती। बट देन शी आउट टू हैव बीन ट्रूथफुल एंड डायरेक्ट। लेकिन बाद में उसको लगता है कि रियलिटी तो अलग ही है। चार्ल्स सेड नथिंग ऑफ द काइंड, क्योंकि चार्ल्स ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कहा था। ही वॉज मलाइस इटसेल्फ, ही ऑलवेज सॉ थ्रू वन, एस्पेशली इफ वन वर फीलिंग पर्टिकुलरली मीन, पाल्ट्री और फीबल माइंडेड। उसके बाद उसको लगा कि चार्ल्स ने ऐसा तो बोला ही नहीं है, वो तो बहुत ही उसके दिमाग में तो ये बात ही नहीं है। एंड इस तरह से हम, लेकिन अगर उसने ऐसा बोला नहीं है, तो ही विल बी थिंकिंग दैट आई एम अ लोअर क्लास, यानी कि मेरा ये जो ड्रेस है, मैं आज जो दिख रही हूँ, दैट इज नथिंग, क्योंकि मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, भद्दी दिख रही हूँ, ऐसा वो सोच रही है। और इस तरह से उसका जो माइंड है पूरा, वो वहां पर पूरा निगेटिव थॉट से भरा पड़ा है एंड इट इज अफेक्टिंग हर। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एंड शी मीन्ड, इसका मतलब है कि उसको इन सब बातों से फर्क पड़ रहा था। एंड मैबल्स गॉट अ न्यू ड्रेस, मैबल्स गॉट अ न्यू ड्रेस ही सेड, एंड द पुअर फ्लाई वॉज एब्सोल्युटली शोड इन टू द मिडल ऑफ द सॉसर। शोड यानी इसका मतलब है SHOVED, पुश्ड और फेंका जाना, इसका अर्थ है पुश्ड और फेंका जाना। यहाँ पर देखिए PALTRY, पाल्ट्री, सॉरी मैंने इसके मीनिंग्स नहीं बताए, आप लिख लीजिए PALTRY। पाल्ट्री का मीनिंग है इनफेरियर, यानी तुच्छ हम जो बोलते हैं। उसके बाद और एक वर्ड है यहाँ पे, दैट इज, विच वन इट इज, ऑलराइट, पाल्ट्री एंड फीबल माइंडेड, यानी कि वो खुद को बहुत ही सबसे कम आंक रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है और सबसे भद्दी दिख रही है। मैबल्स गॉट अ न्यू ड्रेस ही सेड, एंड द पुअर फ्लाई वॉज एब्सोल्युटली शोड इन द मिडल ऑफ द सॉसर। तो यहाँ पे देखिएगा अभी वो क्या सोच रही है,
कि मेबल ने न्यू ड्रेस पहना है, अगर चार्ल्स ये बोलता तो इस बात से ही वो जो बेचारी मक्खी है वो जो डिश थी सॉसर थी उसके बीच में फेंकी जा सकती थी। रियली ऐसा सच में होता, ही वुड लाइक हर टू ड्राउन शी बिलीव्ड, और ही वुड लाइक हर टू ड्राउन शी बिलीव्ड, और उसको लग रहा था कि मैं इसमें डूब उसमें डूब जाती, उस बात में डूब जाती। ही हैड नो हर्ट, और वो अभी खुद से ही बात कर रही है कि उसको तो इसके पास तो दिल ही नहीं है, नो फंडामेंटल काइंडनेस, वो दयालु नहीं है, ओनली ए विनर ऑफ फ्रेंडलीनेस, और वो सिर्फ VENEER, यानी कि हम बोलते हैं ना कि झूठा मूठा जो एक हम किसी की तारीफ करते हैं वो तो झूठ मूठ की तारीफ कर रहा है। मिस मिलान वॉज मच मोर रियल मच काइंडर, लेकिन चार्ल्स ने जो उसको बताया था उससे बेटर उसको क्या लग रहा है, मिस मिलान। मिस मिलान ने जो उसकी तारीफ की थी तो उसको वो सच लग रही थी, रियल लग रही थी, दयालु लग रही थी। इफ ओनली वन कुड फील दैट एंड स्टिक टू इट ऑलवेज, और उसको ऐसा लग रहा था कि सच में अगर किसी के मन में कोई अच्छी बात आती है, लेटिंग हिम सी दैट शी वॉज आउट ऑफ टेम्पर और रफल्ड एज शी कॉल्ड इट, रादर रफल्ड, ही सेड एंड वेंट ऑन टू लाफ एट हर विद सम वन ओवर देयर। और यहाँ पर जो हमारी मेबल है, इस कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है, तो उसको ऐसा लगा कि अगर कोई किसी को ऐसा जताना चाहता है कि तुम सच में अच्छे दिख रहे हो तो उसको ईमानदारी से यह बात बतानी चाहिए, सच में वो बात बतानी चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है तो कितनी अच्छी बात होगी, ऐसा वो खुद के ही मन में सोच रही है। एंड रादर रफल्ड, यानी कि हम उसको बोलते हैं ना कि दिमाग में एकदम उलझ जाना, किसी बात में एकदम उलझ जाना, इस तरह से। ही सेड एंड वेंट ऑन टू लाफ एट हर विद सम वुमन ओवर देयर, और उसको लग रहा था कि वो मुझ वहां पर चाल जो है वो उस पर हंस रहा है बाकी के लेडीज के साथ। व्हाई शी आस्क्ड हरसेल्फ, उसके बाद वो खुद से ही सवाल पूछ रहे कि ऐसा क्यों हुआ। कांट आई फील वन थिंग ऑलवेज, फील क्वाइट श्योर दैट मिस मिलान इज, और बाद में वो बोल रही है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्यों मिस मिलान ही इज राइट, मिस मिलान तो सही है एंड चार्ल्स रॉन्ग, और चार्ल्स तो झूठा है, एंड स्टिक टू फिट इट, और वो उसी लायक है। फील श्योर अबाउट द कैनरी एंड पिटी एंड लव एंड नॉट बी विप्ड ऑल राउंड इन अ सेकेंड बाय कमिंग इन टू अ रूम फुल ऑफ पीपल, और उसके बाद वो बोल रही है कि अगर सच में ऐसा होता है तो मुझे इनसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी, ऐसा वो वहां पर खुद से ही बात करी है। ये जो सारे फीलिंग्स है वो खुद के ही मन में, उसके ये जो हम बोलते हैं ना कि अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, कभी कभी पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं, बीच में ही निगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं, और वो खुद से ही बात करी है। इट वॉज हर ऑडियस, ओके ऑडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और बहुत ही अशांत थी, वीक, बहुत ही खुद को कम आंक रही थी। वैसिलेटिंग मीन्स वॉट की वेवरिंग बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन, यानी कि अलग अलग जो ख्याल है उसके दिमाग में और आ रहे थे, कैरेक्टर अगेंस्ट एट द क्रिटिकल मोमेंट, नॉट बीइंग सीरियसली इंटरेस्टेड इन कॉन्कोलॉजी, इटाइमोलॉजी, बोटनी, आर्कोलॉजी, कटिंग अप पोटैटोज एंड वॉचिंग देम फ्रुक्टिफाई लाइक मैरिडेनिस लाइक वायलेट सेरल। तो यहाँ पर देखिए कि मैबल ऐसा सोच रही है कि यहाँ पर देखिए कॉन्कोलॉजी यानी शंख शास्त्र हम इसको बोलते हैं, इटाइमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति शास्त्र, बोटेनी यानी वनस्पति शास्त्र, आर्कियोलॉजी तो हमें सबको पता है पुरातत्व शास्त्र इसको बोलते हैं, कटिंग अप पोटैटोज यानी कि पोटैटोज यानी कि आलू कट करना, एंड वॉचिंग देम फ्रुक्टिफाई लाइक मैरिडेनिस लाइक वायलेट सीरल, यानी कि वो ऐसे वहां पर अलग अलग काइंड ऑफ जो उसने बुक्स पढ़े हैं, वो जो कुछ किताबें पढ़ती थी, तो उसके कैरेक्टर्स वो वहां पर ला रही है और उस तरह से वो फील करवा रही है खुद को। देन मिसेस हॉलमन सीइंग हर स्टैंडिंग देयर बोर डाउन अपॉन हर, उसके बाद क्या होता है कि मिसेस हॉलमन वहां पर आ जाती है और उसके पास खड़ी हो जाती है, मेबल के पास, ऑफ कोर्स थिंग लाइक अ ड्रेस वॉज बीनीथ, और वो बोलती है कि हाँ यहाँ पर उसको लग रहा है कि मिसेस हॉलमन का तो ध्यान उसके ड्रेस की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। विद हर फैमिली ऑलवेज टम्बलिंग डाउनस्टेयर्स और हैविंग द स्कारलेट फीवर, और उसको ऐसा लगता है कि उसको स्कारलेट का फीवर आ रहा है, जैसे कि उसकी फैमिली हमेशा ही
स्ट्रगल कर रही थी अपने लाइफ में. कुड मैबल टेल हर इफ एलेम्थ्रोप वॉज एवर लेट फॉर अगस्त एंड सेप्टेम्बर. और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि दैट इज कुड मैबल टेल हर इफ एलेम्थ्रोप वॉज एवर लेट फॉर अगस्त एंड सेप्टेम्बर. ओ इट वॉज अ कन्वर्सेशन दैट बोर्डर अंटर अनटेरेबली. और ये जो बातें मिसेस हॉलमन कर रही है इससे मैबल का दिमाग खराब हो रहा था. इट मेड हर फ्यूरियस टू बी ट्रीटेड लाइक अ हाउस एजेंट और अ मैसेंजर बॉय टू बी मेड यूज ऑफ. और उसको उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो हाउस एजेंट है या फिर मैसेंजर बॉय है. इस तरह से उसके मन में गुस्सा आ रहा था. एंड नॉट हैव अ वैल्यू दैट वॉज इट. और उसके पास ऐसा लग रहा था कि उसको कोई कीमत ही नहीं है. वो क्या बात कर रही है. शी थॉट वो ये सोच रही थी. ट्राइंग टू ग्रास समथिंग हार्ड. और उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो एकदम हार्ड थिंग, यानी कि हम बोलते हैं ना कि कान पर कोई तो हार्ड कोई किसी तो पत्थर से हमारे कान पर जोर जोर से आवाज कर रहा है. लाइक दिस फीलिंग उसको आ रही थी. समथिंग रियल. व्हाइल शी ट्राइड टू आंसर सेंसिबली अबाउट द बाथरूम एंड द साउथ एस्पेक्ट एंड द हॉट वाटर टू द टॉप ऑफ द हाउस एंड ऑल द टाइम शी कुड सी लिटिल बिट्स. तो यहाँ पर क्या होता है कि बाथरूम कहाँ पर है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, फिर गर्म पानी कैसे आएगा. लाइक दिस ये जो घर की बातें हैं मिसेस यहाँ पर हॉलमन जो है वो वहाँ पर उसके साथ आकर ये सारी बातें कर रही थी. और फिर उसको ये सब बातें जब चल रही थी तो जो मैबल है उसको उसका जो येलो ड्रेस है इन द राउंड लुकिंग ग्लास विच मेड देम ऑल द साइज ऑफ बूट्स बटर्स और टेडपोल्स एंड इट वॉज अमेजिंग टू थिंक हाउ मच ह्यूमिलिटेशन एंड एगोनी एंड सेल्फ लोथिंग एंड एफर्ट ऑफ पैशनेट. तो यहाँ पर फिर उसको लगता है कि ये सब बातें करके शायद वो उसको ये बताना चाहती है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत ही भद्दा दिख रहा है और तुम बहुत ही बेतुकी दिख रहे हो, ऐसा उसको लग रहा था. एंड सेल्फ लॉथिंग यानी कि वो उसको फिर ऐसा लग रहा था कि उसका वो अपमान कर रही है, उसको कम आंक रही है. फीलिंग वर कंटेन इन अ थिंग द साइज ऑफ अ 3 पेनी बिट. और उसका ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 पेनी यानी कि 3 पैसा जो है वो जमाने का वो करेंसी था. तो जैसे कि 3 पैसों में उसका जो वो इंसल्ट कर रही है लाइक दैट वो फील कर उसको फील करवा उसको खुद को फील हो रहा था मेबल को. एंड व्हाट वाज स्टिल ऑर्डर थिंग दिस मेबल वेयरिंग वाज सेपरेट क्वाइट डिसकनेक्टेड एंड दो मिसेस हॉलमन द ब्लैक बटन वाज लीनिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग हर हाउ हर एल्डेस्ट बॉय हैड स्ट्रेंड हिज हर्ट रनिंग एंड शी कुड सी हर टू क्वाइट. तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो मिसेस हॉलमन है इनकी इन बातों से मैबल जो है मैबल वेयरिंग इसको लग रहा था कि मैं तो सबसे अलग हो गई हूँ और यहाँ पर सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन मैं सबसे बुरी दिख रही हूँ. और उसके बाद जो मिसेस हॉलमन ने ड्रेस पहना था वो ड्रेस देख के तो उसको बहुत ही बैड फील हो रहा था अपने लिए कि इनका ड्रेस तो अच्छा है लेकिन मेरा तो देखिए कितना भद्दा दिख रहा है लाइक दिस. और उसके बाद फिर मिसेस हॉलमन उसको अपनी घर की बातें बता रही है कि देखो कि मेरे बड़े बेटे को वो भाग रहा था इसके वजह से उसको कैसे उसकी सांस रुक रही थी. उसके बाद फिर क्वाइट डिटैच्ड इन द लुकिंग ग्लास लेकिन मैबल तो मिरर में देखी ही जा रही थी. एंड इट वाज इम्पॉसिबल दैट द ब्लैक डॉट लीनिंग फॉरवर्ड गेस्टिकुलेटिंग शुड मेक द येलो डॉट सिटिंग सॉलिटरी सेल्फ सेंटर्ड फील व्हाट द ब्लैक डॉट वॉज फीलिंग एट दे प्रिटेंडेड. और वो जो था कि उसके ये जो मिसेस हॉलमन जो हाथ ऊपर करके जो बातें कर रही थी तो उसका ध्यान तो उसकी बातों की तरफ नहीं था, सिर्फ उसके ड्रेस पर जो ब्लैक डॉट्स थे उस पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया था. और उसके बाद वो अपने ड्रेस पर जो येलो डॉट्स थे तो वो अपने ड्रेस में जो डिजाइन थी वो देखकर ही ऐसा लग रहा था उसको कि ये मुझको कम जताने की कोशिश कर रही है. सो इम्पॉसिबल टू कीप वॉइस क्वाइट दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग वन सेड. और उसके बाद वो बोल रही थी कि बच्चों को चुप बिठाना कितना मुश्किल होता है. एंड मिसेस हॉलमन हु कुड नेवर गेट इनफ सिंपथी एंड स्नैच्ड व्हाट लिटल देयर वाज ग्रेडली एज इफ इट वर हर राइट बट शी डिजर्व मच मोर फॉर देयर वाज अ लिटल गर्ल हु हैड कम डाउन दिस मॉर्निंग. एंड उसके बाद मिसेस हॉलमन जिसको कभी भी सिंपथी नहीं मिली मिल सकती थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिंपथी वो छीन ले और इसको उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी. विथ स्वॉलन नी जॉइंट जो क्योंकि उसके जो घुटने थे वो घुटनों में उसके बहुत ही दर्द हो रहा था इसकी वजह से वो बीमार थी. टुक दिस मिजरेबल ऑफरिंग एंड लुक्ड एट इट सस्पिशियली ग्रडिंगली मीन्स इन अ रेलिवेंट और रेसलनेस मैनर. इसका मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि कोई अगर हमसे जो बात करता है
तो उससे हमें क्या लगता है कि यार ये तो दिल के ऊपर से बात कर रहा है, ये तो हमें सिंपत्ति दिखाने का सिर्फ ढोंग कर रहा है, लाइक दैट वो उसको वहां पर फील हो रहा था। एंड एज इफ इट वर अ हाफ पेनी व्हेन इट आउट टू हैव बीन अ पाउंड एंड पुट इट अवे इन हर पर्स, मस्ट पुट अप विद इट मीन एंड मिजरली थ्रो दो इट वॉज टाइम्स बिंग हार्ड सो वेरी हार्ड एंड शी वेंट क्रिकिंग। क्रिकिंग का मतलब क्या है, मेकिंग अ हार्श हाई पिच साउंड, यानी कि वहां पर कर कर करने की आवाज आ रही थी। इंजर्ड मिसेस होलमैन अबाउट द गर्ल विद द स्वोलन जॉइंट्स आई इट वॉज ट्रेजिक दिस ग्रेट दिस क्लैमर ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक अ रो ऑफ कॉर्मोरेंट्स। ओके, कॉर्मोरेंट्स मीन्स लार्ज डाइविंग सी बर्ड्स, लार्ज डाइविंग सी बर्ड्स। तो इसको वहां पर ऐसा लग रहा था कि मिसेस हॉलमन तो अपने बच्चे लड़के के बारे में बोल रही है, अपनी लड़की के बारे में बता रही है, और ये सब बहुत ही भयानक है। इससे मैं तो बहुत ही तंग आ गई हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और मुझको ऐसा लग रहा था कि कोई पंछी जो अपने पंख फड़फड़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, इस तरह से उसको वहां पर फील हो रहा था कि मिसेस ऑलमन यही बताने का प्रयास कर रही है, बार्किंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सिंपथी, कि कोई पंछी जो खुद सिंपथी पाने के लिए फड़फड़ करता है, लाइक दैट वो वहां पर प्रयास कर रही थी। इट वॉज ट्रेजिक, और ये बहुत ही बुरी बात थी। कुड वन हैव फेल्ट इट एंड नॉट मेरली प्रिटेंडेंट टू फील इट, और ये किसी को होना नहीं, ये किसी के साथ ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर मेबल को ऐसा लग रहा था कि मिसेस हॉलमन की बातें सुनकर उसको ऐसा फील हो रहा था। बट इन हर येलो ड्रेस टू नाइट शी कुड नॉट रिंग आउट वन ड्रॉप मोर शी वॉन्टेड इट ऑल फॉर हर सेल्फ। लेकिन तो ये सब जो बातें हैं इनसे परे होकर जो हमारी मैबल है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि येलो ड्रेस पहन के तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसका तो प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा। शी न्यू शी केप्ट ऑन लुकिंग इन टू द ग्लास डिपिंग इन टू दैट ड्रेडफुली शोइंग अ ब्लू पूल दैट शी वॉज कंडेम्ड डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन स्कॉर्न हेटेड, यानी कि वो खुद से नफरत कर रही थी। लेफ्ट लाइक दिस इन अ बैक वाटर, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पानी में जो पंछी फड़फड़ाता है, लाइक दिस उसको लग रहा था बिकॉज ऑफ हर बींग लाइक दिस अ फीबल वैकिलेटिंग क्रिएचर, एक जो सबसे अलग जो क्रिएचर रहता है, ठीक है, तो उसकी तरह उसको फील हो रहा था वहां पर। एंड इट सीम टू हर दैट द येलो ड्रेस वॉज अ पिनाक विच शी हैड डिजर्व, और उसको लग रहा था कि ये येलो ड्रेस उसके लिए एक बहुत ही बुरी बात हो गई है, एक उसका सबसे बड़ा हम बोलते हैं ना कि दोष उस पर वहां पर हो गया है। एंड इफ शी हैड बीन ड्रेस लाइक रोशा, अगर वो रोशा की तरह ड्रेस पहनती इन लवली बहुत ही सुंदर क्लीनिंग ग्रीन विद अ रफल ऑफ स्वान्स डन शी वुड हैव डिजर्व दैट, और उसको लग रहा था कि मिसेस शॉ की तरह अगर, रोज शॉ की तरह अगर मैं ड्रेस पहनती तो मैं भी उनकी तरह बहुत ही सुंदर दिखती और बहुत ही अच्छी दिखती। नो एस्केप फॉर हर नन व्हाट सो एवर बट इट वॉज नॉट हर फॉल्ट टुगेदर, और उसको ये लग रहा था कि ये तो मेरी गलती नहीं है। इट वॉज बींग वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10, कि हमारे घर में तो 10 मेंबर है, नेवर हैविंग मनी इनफ। तो मैबल के घर की तंगी, यानी कि उसके घर में पैसों की कमी रहती थी, 10 लोग रहते थे, पैसे की कमी थी। ऑलवेज स्किम्पिंग एंड पैरिंग, स्किम्पिंग यानी एक्सपेंडिंग वेरी लिटल और लेस देन नेसेसरी, यानी कि सब कम से कम पैसे खर्च करके वो अपना गुजारा करते थे। एंड हर मदर कैरिंग ग्रेट कैंस एंड द लिनोलियम वन ऑन द स्टेयर एजेस, और उसका ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ जो है वो बड़े बड़े कैन लेके आती थी और अपना घर का वो गुजारा वैसे करते थे। एंड वन सॉर्डिड लिटिल डोमेस्टिक ट्रेजेडी आफ्टर अनदर, नथिंग कैटास्ट्रॉफिक। तो उसका ऐसा लग रहा था यहाँ पर शी डेफिनेटली फीलिंग कि उसके घर की जो हालत थी, यानी कि बहुत ही हम बोलते हैं ना कि बहुत ही बुरी हालत थी, यानी कि पैसा नहीं है, कम पैसों में सारा घर चलाना है, इस तरह से उसकी माँ जो है वो अपना जो पूरा फैमिली है वो चलाती थी। द शीप फार्म फेलिंग, यानी कि जो वो शीप फार्मिंग थी तो उनका वो बिजनेस भी फ्लॉप हो गया था, बट नॉट अटरली, लेकिन ऐसा नहीं। हर एल्डेस्ट ब्रदर मैरिंग बीनीथ हिम बट नॉट वेरी मच, और इसके बावजूद उसके जो बड़े भाई ने हैं कि उनसे कम जात वाले लड़की से शादी की थी। देयर वॉज नो रोमांस, ना उसमें रोमांस था, नथिंग एक्सट्रीम अबाउट देम ऑल, और कुछ भी ऐसी बात नहीं थी वहां पर बताने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। दे पटर्ड आउट रिस्पेक्टेबली इन सी साइड रिजॉर्ट्स, और ये सब ये बता रही थी कि उन्होंने आश्रय के लिए, कि समुन्द्र किनारे के एक रिजॉर्ट में उन्होंने
आश्रय लिया था. इवन एवरी वॉटरिंग प्लेस हैड वन ऑफ हर आंट्स इवन नाउ स्लीप इन सम लॉजिंग विद द फ्रंट विंडो नॉट क्वाइट फेसिंग द सी. और हर एक जो समुद्र किनारे का जो घर था, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने भाड़े से रूम लिया था, रेंट से वो रूम लेके रहते थे. दैट वॉज सो लाइक देम, दे हैड टू स्क्विंट एट थिंग्स ऑलवेज एंड शी हैड डन द सेम, शी वॉज जस्ट लाइक हर आंट्स. और जिस तरह से उसकी आंट का गुजारा चल रहा था, लाइक दैट वो फील कर रही थी फॉर ऑल हर ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन इंडिया. और इंडिया में उसका रहना था, मैरिड टू सम हीरो लाइक सर हेनरी लॉरेंस. यहाँ पे देखिए, सर हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी लॉरेंस वाज अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर. वो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे, सर्वेयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेटमैन इन ब्रिटिश इंडिया. तो हमारी जो मेबल है, उसका ड्रीम था कि वो इंडिया में रहे, सर हेनरी लॉरेंस जैसे आदमी से शादी करे, सम एम्पायर बिल्डर, स्टिल साइट ऑफ अ नेटिव इन अ टर्बन फील्ड हर विथ रोमांस, और एक बहुत बड़े वो महल में रहे. शी हैड फेल्ड अटरली. लेकिन ये सब बातें मेबल के साथ नहीं हुई थी. शी हैड मैरिड हबर्ट विथ हिज सेफ, और उसकी जो शादी हो गई थी. तो ये सब उसके सपने थे, ये सब उसके सपने टूट गए थे. और उसने जो एक छोटे जगह पर काम करने वाले जो इंसान था, ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट से उसकी शादी हो गई थी. परमानेंट अंडरलाइंग जॉब इन द लॉ कोर्ट्स, वो कोर्ट में काम करता था. एंड दे मैनेज टॉलरेबली इन अ स्मॉलिश हाउस विदाउट प्रॉपर मेट्स. और वो एक बहुत ही छोटे घर में रहते थे, वहाँ पर नौकर चाकर नहीं थे. एंड हैश व्हेन शी वाज अलोन और जस्ट ब्रेड एंड बटर. और कब कब उनको ब्रेड बटर खा के ही सोना पड़ता था. बट नाउ एंड देन मिसेस हॉलमैन गर द मोस्ट ड्राइड अप अनसिपेथेटिक ट्वीक शी हैड एवर मेट, एब्सर्डली ड्रेस टू, एंड वुड टेल एवरी वन अबाउट मैबल्स फैंटेस्टिक अपियरेंस. लेकिन मिसेस हॉलमैन वहाँ पर मैबल का जो फैंटेस्टिक अपेयरेंस है उसके बारे में ही बात कर रही थी. और उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब, यानी कि इतने संघर्ष के साथ वो जीना जी रही थी. उसके जो ड्रीम्स थे वो तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसको वो जो चाहती थी वो नहीं मिला था. और इसके बावजूद वहां पर देखिए, नाउ एंड देन थॉट मेबल वेयरिंग लेफ्ट अलोन ऑन द ब्लू सोफा. और उसको ऐसा लग रहा था वहां पर जैसे कि मैं एक कोई तो मजाक की चीज वहां पर हो गई हूँ, और एक नीले सोफे पर बैठी हूँ, पंचिंग द कुशन इन ऑर्डर टू लुक ऑक्यूपाइड. और जैसे कि जो कुशंस थे, और जैसे कि कुशन पर जब हम किक मारते हैं और उसको जब हम किक मारकर उसको अच्छा फील करवाते, लाइक दैट मेबल वेरिंग को वहां पर फील हो रहा था. शी वुड नॉट ज्वाइन चार्ल्स बर्ट एंड रोज शॉ. उसने चार्ल्स बर्ट और रोज शॉ को ज्वाइन नहीं किया, उनके पास नहीं गई. चैटरिंग लाइक मैगपाइज. मैगपाइज मीन्स अ वेरी लॉन्ग टेल ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड. ये एक बर्ड है, पक्षी है. एंड परहैप्स लाफिंग एट हर बाय द फायर प्लेस नाउ एंड देन. और उसको ऐसा लग रहा था कि सब लोग जैसे कि जैसे वहां पर चार्ल्स बर्ट और रोज शॉ गप्पे लड़ा रहे थे, और वो वहां पे उनमें शामिल नहीं हो रही थी इस तरह से. एंड ईस्टर लेट हर रिकॉल इट. Let her recall it. Now and then, thought Mabel Waring, left alone on the blue sofa, punching the cushion in order to look occupied, for she would not join Charles Burt and Rose Shaw, chattering like magpies. और उसको ऐसा लग रहा था वो इस तरह से वो खुद के बारे में feel करवा रही थी, like this. Okay. और देखिए अभी magpie जो एक पक्षी है, उसके जो किलबिल करता है कि उसकी किलकिलाट के साथ, तो इस तरह से वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स खुद के लिए उसके मन में आ रहे थे. नाउ एंड देन अबर तब देयर डिड कम टू हर डिलीशियस मोमेंट्स. यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ही अच्छे जो मोमेंट्स है उनमें मैं शामिल नहीं हो रही हूँ. लाइक रीडिंग द अदर नाइट इन बेड, रात को बुक पढ़ना फॉर इंस्टेंस, और डाउन बाय द सी ऑन द सैंड इन द सन, और समुद्र के किनारे सन के सन को देखना और वहां पर एंजॉय करना. एट ईस्टर लेट हर रिकॉल इट. अ ग्रेट टफ्ट ऑफ पेल सैंड ग्रास स्टैंडिंग ऑल ट्विस्टेड लाइक अ शॉक ऑफ स्पेयर्स अगेंस्ट द स्काई. और समुद्र किनारे आसमान को, नीले आसमान को देखना इस तरह से. विच वॉज ब्लू लाइक अ स्मूथ चाइना एग, सो फॉर्म सो हार्ड. एंड देन द मेलोडी ऑफ द वेव्स, हश हश दे सेड एंड चिल्ड्रन शाउट्स पैडलिंग यस. ईयर यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था, यानी कि इतना वो अच्छा एग्जाम्पल से यहाँ पर दे रहे हैं कि
समुन्दर किनारे उसको रेत में खेलना है, समुन्दर की लहरों का मजा लेना है, और समुन्दर के पानी में जो बच्चे खेलते हैं, जो गाना गाते हैं, तो ये सब उसको लग रहा है कि वाह, व्हाट वाज द मोमेंट्स आर दैट शी फेल्ट इन द हैंड ऑफ गॉडेस हु वाज द वर्ल्ड। इस तरह से उसको फील होता, रादर अ हार्ट हर्टेड बट वेरी ब्यूटिफुल गॉडेस, अ लिटिल लैम लेड ऑन द अल्तार, वन डिड थिंक दिस सिली थिंग्स एंड इट डिडंट मैटर सो लॉन्ग एज वन नेवर। लेकिन ये जो बातें हैं वो उसको लग रहा था कि किसी को ये बातें मूर्खता लगेगी और कोई किसी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑल्सो विथ हर्बर्ट समटाइम शी हैड क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली कार्विंग द मटन फॉर संडे लंच। और फिर संडे के दिन उसको ऐसा लगता था कि संडे के दिन दोपहर के खाने में मटन पकाए, या फिर फॉर नो रीजन ओपनिंग अ लेटर, फॉर नो रीजन लेटर ओपन करे, कमिंग इन टू अ रूम, डिवाइन मोमेंट्स व्हेन शी सेड टू हर सेल्फ, खुद से बात करती थी, फॉर शी वुड नेवर से दिस टू एनीबडी एल्स, वो किसे बताती नहीं थी, दिस इज इट, यही तो है वो, दिस हैज हैपन, ये तो हो चुका है, दिस इज इट, यही तो है वो, एंड द अदर वे अबाउट इट वॉज इक्वली सरप्राइजिंग, बाकी के बातें आश्चर्यजनक थी, दैट इज वेन एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, म्यूजिक, वेदर, हॉलीडेज, एवरी रीजन फॉर हैप्पीनेस वॉज देयर, देन नथिंग हैपन एट ऑल, वन वॉजंट हैप्पी, इट वॉज फ्लैट, जस्ट फ्लैट, दैट वॉज ऑल। और उसको ऐसा लग रहा था कि इससे ये जो अच्छी अच्छी चीजें वो सोच रही है कि संडे के दिन पति के साथ अपने मटन खाना, उसके बाद अच्छे अच्छे जो लेटर्स आए वो देखना, खुद से बातें करना, कुछ अच्छी पल बिताना, सो इससे उल्टा उसके बाद साथ होता था लाइक दिस कि उसको बहुत ही, यानी कि इट वॉज फ्लैट, यानी कि वो बहुत बोर हो जाती थी, जस्ट फ्लैट, दैट वॉज ऑल, हर व्रच सेल्फ अगेन, और वो वापस दुखी हो गई, नो डाउट, उसमें तो कोई शक नहीं था, शी हैड ऑलवेज बीन अ फ्रेटफुल, फ्रेटफुल यानी कि वो क्या थी कि हम बोलते हैं ना कि खुद को एक बहुत ही कम आंकना, वीक और सबसे कमजोर, अनसेटिस्फैक्टरी यानी कभी भी संतोष नहीं होना, अनसेटिस्फैक्टरी मदर, एक असमाधानी माँ, वोबली वाइफ यानी कि एक बहुत ही हम बोलते हैं ना डिस्टर्बिंग वाइफ, लॉलिंग अबाउट इन अ काइंड ऑफ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस विथ नथिंग वेरी क्लियर और वेरी बोल्ड, ऐसा उसको लग रहा था, खुद के बारे में बहुत ही निगेटिवली वो सोच रही थी, और मोर वन थिंग देन अनदर, एक के बाद एक चीजें उसके ध्यान में आ रही थी, लाइक ऑल अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके बाकी के ब्रदर सिस्टर की तरह, एक्सेप्ट वरैस हर्बर्ट, दे वर ऑल द सेम पुअर वाटर वैन क्रिएचर्स हु डिड नथिंग। उसको लग रहा था कि हम सब जो है कि पानी में जो प्राणी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनकी तरह हमारी जिंदगी थी, दैट इज वाटर विनाइड क्रिएचर्स, जो पानी की धारा की तरह इधर उधर बहते हैं, हु डिड नथिंग, जो कुछ करते नहीं, देन इन द मिडस्ट ऑफ द क्रीपिंग, और उसके बाद ही उसको एक आवाज आ गई वहां पर, क्राउलिंग लाइफ, सडनली शी वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ वेव, क्रेस्ट ऑफ वेव यानी कि यहाँ पर ये मीनिंग बता दिया गया है स्टूडेंट्स, कि उसको ऐसा लग रहा था कि समुन्दर की जो वेव्स आती है, राइट, तो वो वेव्स पर वो इधर उधर फेंकी जा रही है, इस तरह से उसको वहां पर खुद के बारे में लग रहा था, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड, और उसको ये जो लेसन है, इस लेसन में इतना यानी कि वो खुद के बारे में इतना थिंक करती है कि मुझे कोई भी यानी कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, ऑल थिंग्स वॉज अपोजिट टू माई ड्रीम्स, जो उसने ड्रीम्स देखे थे उसके विरुद्ध यानी कि उसके ऑपोजिट ही सारी चीजें उसकी जिंदगी में हो रही थी, एंड देन इन द मिडल्स ऑफ द क्रीपिंग क्राउलिंग लाइफ सडनली शी वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ वेव, एंड दैट रेच्ड फ्लाई, वेयर हैड शी रीड द स्टोरी दैट kept coming into her mind about the fly and the saucer, अभी वापस उसके दिमाग में वो स्टोरी आ रही है फ्लाई एंड द सॉसर की, स्ट्रगल आउट, येस शी हैड दोज मोमेंट्स, उसके लाइफ में ऐसे सब कठिन प्रसंग बहुत आ गए, बट नाउ दैट शी वॉज 40, अभी वो 40 साल की हो गई थी, दे माइट कम मोर एंड मोर सेल्डम, बाई डिग्री शी वुड सीज टू स्ट्रगल एनी मोर, बट दैट वॉज डेप्लोरेबल, दैट वॉज नॉट बी एंडियर्ड, दैट मेड हर फील अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ, और इन बातों से वो खुद को या हम बोलते हैं ना कि डेप्लरेबल यानी कि
उसको खुद के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। दैट वॉज नॉट बी एंड्योर्ड, एंड्योर्ड मीन्स उसको ये सब अभी सहन नहीं हो रहा था। दैट मेड हर फील अशेम्ड ऑफ, उसको खुद की शर्म आ रही थी। शी वुड गो टू द लंडन लाइब्रेरी टुमारो, वो कल लंडन लाइब्रेरी जाएगी। शी वुड फाइंड सम वंडरफुल हेल्पफुल एस्टोनिशिंग बुक, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेगी। क्वाइट बाई चांस बुक बाय अ क्लर्गीमन, क्लर्गीमन का बुक पढ़ेगी। बाय एन अमेरिकन नो वन हैड एवर हर्ड ऑफ। और शी वुड वॉक डाउन टू द स्ट्रैंड एंड ड्रॉप एक्सीडेंटली इन टू अ हॉल वेयर अ माइनर वॉज टेलिंग अबाउट द लाइफ इन द पिट, एंड सडनली शी वुड बिकम अ न्यू पर्सन, शी वुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म। और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कल लंदन की लाइब्रेरी जाऊंगी, वहां पर अच्छे अच्छे में जो बुक्स है धर्मों यानी कि जो अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं वो मैं मैसेज पढ़ूंगी और इससे कुछ तो मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, इस तरह से वो बोल रही थी। एंड शी वुड वेयर अ यूनिफॉर्म, शी वुड बी कॉल्ड सिस्टर समबडी, शी वुड नेवर गिव अ थॉट टू क्लोथ्स अगेन, एंड फॉर एवर आफ्टर शी वुड परफेक्टली क्लियर अबाउट चार्ल्स बर्ट एंड मिस मिलान एंड दिस रूम एंड दैट रूम एंड इट वुड बी ऑलवेज डे आफ्टर डे एज इफ शी। और उसके मन में ये सब बातें आ रही थी कि मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहनूंगी, किसी की सिस्टर कहलाऊंगी, लाइक दिस वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स was coming ups and downs in her mind, and as if she were lying in the sun or carving the mutton it would be, और सूरज के किरणों का मजा लेना या फिर मटन बनाना, ये बाकी की चीजें तो वैसे ही रहेगी। सो शी गॉट अप फ्रॉम द ब्लू सोफा एंड द येलो बटन इन द लुकिंग ग्लास गॉट अप टू, और वो सोफा से उठ गई एंड शी वेव्ड हर हैंड टू चार्ल्स एंड रोज टू शो देम वन स्क्रैप एंड द येलो बटन मूव्ड आउट ऑफ द लुकिंग ग्लास एंड ऑल द स्पेयर्स वर गैदर्ड इन टू हर ब्रिस्ट एज शी वॉक टूवर्ड्स मिसेस डालोवे एंड सेड गुड नाइट। ये सब बातें सोचने के बाद उसको लगा अभी क्या होने वाला है, कल जाकर मैं किसी लाइब्रेरी में बैठती हूँ, कुछ अच्छी किताब पढ़ती हूँ और फिर जो है वो जो चल रहा है वो रोजमर्रा की जिंदगी वैसी ही चलने वाली है। ये सब बातें वो सोचती है और उधर से उठती है और मिसेस डालोवे को वो फिर गुड नाइट बोल के चली जाती है। बट इट्स टू अर्ली टू गो, तो मिसेस डालो बोलती है आप बहुत ही जल्दी जा रहे हो। हु वाज ऑलवेज सो चार्मिंग, और वो बहुत ही चार्मिंग है, फिर आप ऐसे वो बहुत ही चार्मिंग यानी कि बहुत ही हंसमुख थी। और उसने इसको बोला मैबल को आप बहुत ही जल्दी जा रहे हो, आई एम अफ्रेड आई मस्ट, सेड मैबल वॉरिंग। तो मैबल वॉरिंग बोलती है कि हाँ यस मुझे भी अभी निकलना पड़ेगा, और बट शी एडेड इन हर वीक वॉबली वॉइस विच वॉज ओनली साउंडेड रिडिकुलस व्हेन शी ट्राइड टू स्ट्रेंथन इट, आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ इनॉर्मसली। लेकिन हम बोलते हैं ना वॉबली यानी कि हम बोलते हैं कि जो दुर्बलता रहती है, वॉइस विच ओनली साउंडेड रिडिकुलस, रिडिकुलस साउंड यानी कि हम बोलते हैं ना आवाज कांपता है, तो इस तरह से वो बोलती है। बहुत सारे गट्स एक साथ बहुत सारे गट्स के साथ वो बोलती है आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ एनॉर्मसली, एनॉर्मसली यानी कि मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर एंजॉय किया, आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद बहुत मजा किया। शी सेड टू मिसेस डालोवे हुम शी मेट ऑन द स्टेयर्स, जो स्टेयर्स पर मिस्टर डालोवे उसको मिलते तो उनको बोलकर वो बोलती है कि मैंने आज बहुत ही मजा किया। लाइज 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 सब झूठ था, शी सेड टू हरसेल्फ, खुद से उसने कहा कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ। गोइंग डाउन स्टेयर्स वो नीचे की तरफ चल रही है राइट इन द सॉसर, और वहां पर फिर उसको ऐसा लगा कि जो सॉसर था तो उसके वो बीच में है। शी सेड टू हरसेल्फ एज शी थैंक्ड मिसेस बार्नेट फॉर हेल्पिंग हर एंड ड्रैप्ड हरसेल्फ, तो वो मन में ही बोल रही थी कि मुझे मिसेस बार्नेट के बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड इन द चाइनीज क्लॉक शी हैड वॉन दिस 20 ईयर्स, और मैंने वो उसने बोला कि जो चाइनीज क्लॉक वहां पर लगी है इसमें किस तरह से मैंने अपने 20 साल निकाले वो मुझे ही पता है। यानी कि ये जो है ये लेसन जो है दिस इज द वेरी बोरिंग लेसन आई सेड, कि आप बोलोगे टीचर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बोरिंग, दैट इज कि इस लेसन में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये टेक्निक का उपयोग हमारी जो राइटर है उसने किया है, बट वो इतना ज्यादा उपयोग यहाँ पर किया है कि जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती है। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने ये पढ़ाकर अपलोड तो कर दिया है, बट एज पर दी स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र ये जो लेसन है इस साल 2020-21 का जो आपका सिलेबस है इसमें ये लेसन आपको एग्जाम में नहीं है, ये निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने आपको एक पता होनी चाहिए स्टोरी, इसलिए इसको पढ़ाकर अपलोड कर दिया है कि हर एक जो स्टोरी है आपके टेक्स्ट बुक की वो आपको पता होनी चाहिए, हर एक लेसन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये अपलोड कर दिया है। होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत
यानी कि 100% दिया है समझाने के लिए, बट इट्स अपॉन यू कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सो चलिए इसको सिर्फ आप सुनिए, समझिए, पढ़िए एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर आप काम मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये इसके ऊपर कोई भी पैसेज आपको नहीं आने वाला है। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।